नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की बात को आगे बढ़ाने से पहले, यानी कल की रणनीति के ऊपर बातचीत करने से पहले, कल है 16 तारीख, कल की रणनीति के ऊपर बातचीत करने से पहले हमने आज के लिए क्या रणनीति बनाई थी, जो बना ली थी हमने फ्राइडे को। वीडियो अपलोड हो जाता है, मार्केट आज का खत्म हुआ तो कल के लिए वीडियो अभी इमीडिएटली अपलोड हो जाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि पूरा होमवर्क कर सकें, अपने खुद के लेवल्स निकाल सकें, स्टॉक्स को वेरीफाई कर सकें, लेवल्स अगर सही बैठते हैं तो उस पर अच्छे से काम कर सकें। अभी बज रहे हैं 3:48, 3:48, मार्केट बंद होकर 18 मिनट हो चुके हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आज हमने निफ्टी के, बैंक निफ्टी के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, कौन से स्टॉक्स को बाय करने कहा था, कौन से स्टॉक्स को सेल करने कहा था, कहाँ क्या होल्डिंग पड़ी है, क्या स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ, कौन से स्टॉक्स में लॉस हुआ, एक छोटा सा ओवरव्यू करके बात को आगे बढ़ाते हैं। निफ्टी का आज आप लोगों को रेजिस्टेंस बताया था 9980 का, और सपोर्ट लेवल 10020 का पहला रेजिस्टेंस बताया था, और सपोर्ट बताया था 9888 का, और दूसरा सपोर्ट बताया था 9740 का। 9740 का ही हमारा मैजिकल फिगर था। आज का हाई पोस्ट हुआ है 9904, यानी कि आप लोगों को मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर मार्केट सपोर्ट लेवल के नीचे चलना चालू कर देता है तो वो उसके लिए बन जाता है रेजिस्टेंस। तो अगर आप लोगों को 9888 का सपोर्ट बताया था, बाजार इसके नीचे खुला तो वो बन चुका था उसके लिए रेजिस्टेंस। इसीलिए देखिएगा हाई कितना लगा, 9904 का एक फ्लिक में हाई लगा, एक 2-5 मिनट की भी ट्रेडिंग नहीं हुई उसके ऊपर, और वापस से बाजार उसके नीचे चलने लगा, और उसके नीचे चलने के बाद वापस से उसने अपने टारगेट अचीव कर दिए 9740 के आसपास भी आया। तो अगर उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देख के किसी ने अपनी पोजिशन को इनिशिएट किया होगा तो उसको 2-5-7 हज़ार रुपये तो मिल ही गए होंगे। आज का लो पोस्ट हुआ है 9682 का, और क्लोज हुआ है 9817 में। मैं आप लोगों को थोड़ा सा निफ्टी का ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरह की चाल लगती है। कोई मेजर डाउनवर्ड नहीं लग रहा है और कोई मेजर अपवर्ड नहीं लग रहा है। कोई महानुभाव है किसी, कोई तो भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, कमेंट करते हैं मैजिकल फिगर कुछ नहीं होते, बकवास करते हो। एक तरफ मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था और एक तरफ मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी। हंसी इसीलिए आ रही थी क्योंकि बिना समझे, बिना कुछ कम से कम पिछले जो 600 वीडियोस अपलोड किए हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लो क्या होते हैं मैजिकल फिगर, यानी कुछ भी बड़बड़ करने का। इसलिए मुझे हंसी आती है, गुस्सा इसलिए आता है कि भैया 15-17-18 घंटे काम करते हैं, एक स्क्रिप्ट के पीछे कम से कम 150-150 फिगर होते हैं, यानी आप समझिए कि कितने सारे फिगर्स होते होंगे, फिर उनको रिफाइन करने के बाद आप लोगों को एक फिगर पहुंचाया जाता है जिस पे सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, और पब्लिक तो बस बकवास करते हो लिखती है। खैर, निगेटिव जितने कमेंट आते हैं, हालांकि कमेंट्स निगेटिव बहुत रेयर आते हैं, लेकिन आते हैं तो उससे हम लोगों को अभी और ज़्यादा मेहनत करने की वो प्रेरणा मिलती है, और उनका कुछ कर भी नहीं सकते जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं। वो लोग समझते नहीं बाजार को, आते हैं ये, खैर 2-5 महीने के मेहमान होते हैं ऐसे लोग। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। कल के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 9715 का, और 9790 के नीचे अगर एक कन्विंसिंगली ब्रेक कर देती है तो हो सकता है एक बार के लिए 9410 तक आ जाए, लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत 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 कम लगती है। तो नीचे के बाजू में 9715, और हो सकता है 50-60 पॉइंट वापस से तोड़े और वापस से 9715 के आसपास आके क्लोज हो जाए अगर मंदा चलता है बाजार तो। हालांकि आज की क्लोजिंग से 100 पॉइंट नीचे है। रजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 9980 का और 10020 का। अब जब तक तेजी डेवलप नहीं होगी, जब तक ये 10020 को क्रॉस ना कर दे, नहीं तो ये 9000, अच्छा इसका पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस 9980 का, और दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 10020। एक और चीज़ आज के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आज की जो क्लोजिंग है 9817 की, यही एक दिशा और इसकी आगे की दिशा निर्धारित करेगा। अगर आज की क्लोजिंग के नीचे चलता है बाजार तो हो सकता है 100-150 पॉइंट नीचे चले, और आज की क्लोजिंग से ऊपर चलता है बाजार तो हो सकता है 100-150 पॉइंट ऊपर चले, क्योंकि आज का जो फिगर, क्लोजिंग का फिगर आया है वो बहुत अहम रहने वाला है आगे की दिशा के लिए। तो अगर इस एक जो मैंने आप लोगों को दो रेजिस्टेंस बताए 9980 और 10020, उसके बीच में एक फिगर और निकल के आ रहा है 9820 का। आज क्लोजिंग उसी लेवल में हुई है, इसीलिए उसको कहा नहीं जा सकता कि वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसका मैजिकल फिगर निकल के आ रहा है 9715 का, जो हमारा पहला सपोर्ट है। तो अब मैजिकल फिगर जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करेगा। मैजिकल फिगर हमारे ऐसे फिगर होते हैं जिनके ऊपर चलने पर बाजार होता है तेज, जिनके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा।
तो अगर इसको काफी टाइम के लिए मंदा होना है तो इसको अच्छा खासा ब्रेक करना पड़ेगा 9715 के नीचे। बात को आगे बढ़ाता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जितना भी आप लोगों को बताता हूँ वो बहुत ही सरल भाषा में बताता हूँ, मैं आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को घुसेड़ के बात नहीं करता। जैसे रेशो एनालिसिस के बारे में बातचीत करना चालू कर दी, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बातचीत करना चालू कर दी, हालांकि वो बातचीत करूँगा तो आप लोग और कन्फ्यूज रहेंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम अपने शब्दों को आसान भाषा में आप लोगों को सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड के रूप में आप लोगों से बातें करूं, ताकि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलाइज कर सकें। बात को आगे बढ़ाता हूं, बात करता हूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के आज के आप लोगों को सपोर्ट बताया थे 20,350 का, और दूसरा सपोर्ट बताया था 20,000 का, रेजिस्टेंस बताया था 20,825 का, और मैजिकल फिगर बताया था 20,200 का। आज का हाई देखिएगा 20,430 का, 20,350 का सपोर्ट बताया था, बिल्कुल हूबहू जैसे निफ्टी का इसका सपोर्ट बताया था वैसे बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका था, और 350 का रेजिस्टेंस बताया था, और आज का हाई पोस्ट हुआ है 430 का। कल के लिए इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 19,340, 18,900। 19,340 आने की काफ़ी संभावना है, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 18,900 तक एक बार बैंक निफ्टी आ सकती है। हालांकि मुझे निफ्टी से ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में नज़र आ रहा है। रजिस्ट्रेशन निकल के आ रहे हैं 20,070 और 20,525 का, इसका मैजिकल फिगर बन के आ रहा है 19,850 का, 19,850 का लेवल के आसपास ही आज ये क्लोज हुई है। आज इसका लो पोस्ट हुआ है 19,665 का, अब और 19,921 के आसपास की इसकी क्लोजिंग हुई है। 921 और 850 यानी 70 पॉइंट का फासला है, जो आगे का ट्रेंड डिसाइड करेगा कि मंदा चलेगा बाजार या फिर तेज चलेगा बाजार। सपोर्ट रेजिस्टेंस के आप लोगों को स्क्रीन पे फिगर्स दिखते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप दूसरे दिन के लिए उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बात को आगे बढ़ाता हूँ, तो निफ्टी के मैजिकल फिगर 9715, बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर 19,850, इसके ऊपर तेज नीचे मंदा, और हो सकता है कि ये बहुत रेंज बाउंड चले बाजार। बैंक निफ्टी की अगर कहानी का सार निकालें तो 20,070 ऊपर के बाजू में और नीचे के बाजू में 19,350 के आसपास की लगती है। बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक की। अच्छा, आज मेरे वीडियो में क्या चेंज नज़र आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज मेरे में दो चीज़ों के चेंजेस हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों से बातचीत होगी तो इसी बहाने इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है। रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करने कहा था 1570 के आसपास, बाजार नीचे खुले थे आज, आप लोगों को मेरे दी हुई रेंज से भी नीचे की बाइंग पोजीशन मिली होंगी। स्टॉप लॉस लगाना था 1519 का, टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 1650 के, 1626 का इसने हाई पोस्ट किया, क्लोजिंग के आसपास भरपूर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद ही ऊपर आया। 1561 का इसने लो पोस्ट किया है, 1614 का ये क्लोज हुआ है, तो अच्छा खासा मुनाफा रिलायंस इंडस्ट्री में। हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में, अगर आप लोगों में से कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो कृपया करके वहां जुड़ जाइए, ताकि मेरे यूट्यूब वीडियोस देख के अगर आप कोई एग्जीक्यूशन करते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से अपडेट होना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने वो चैनल बनाया हुआ है, ताकि जो भी मैं आप लोगों से पब्लिकली इंटरेक्शन कर रहा हूँ उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अपडेट कर सकूँ। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में मोटा माटी 2.5% के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया है, प्रॉफिट बुक हो चुका है, पोजीशन होल्ड पे नहीं है। दूसरा एक आप लोगों को स्टॉक बाय करने का था 339 के आसपास, ICICI बैंक, ये भी लोअर लेवल में मिला होगा आप लोगों को, लेकिन मैंने अपनी परफॉर्मेंस शीट में 339 की एंट्री की है। 390 का टारगेट लेके चल रहे थे, 342.25 का इसने हाई पोस्ट किया है, 325.50 का इसने लो पोस्ट किया है, 331.10 पे ये क्लोज हुआ है। आज ICICI बैंक में थोड़ा लॉस लग गया, मोटा माटी 3.54% के आसपास का लॉस इसमें लगा होगा। तो कहानी अगर आप लोग कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, मेरे ख्याल से 3.5% के आसपास मेरी परफॉर्मेंस शीट में लॉस बुक हुआ, ICICI बैंक का 2.5% के आसपास रिलायंस इंडस्ट्री में बना लिया, तो थोड़ा मोड़े लॉस में आज हम लोग कट गए होंगे। तीसरा स्टॉक आप लोगों को दिया था अल्ट्रासन को बाय करने को 3750 के आसपास, आज इसका हाई पोस्ट हुआ है 3768, इसको भी क्लोजिंग में एग्जिट करने कह दिया। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमारे यूट्यूब वीडियोस कुछ भी होल्डिंग हमारे अपनी ना परफॉर्मेंस शीट में है ना आप लोगों के पास उसके हिसाब से होनी चाहिए, अगर आप 100% रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो। कल के लिए स्टॉक होंगे हमारे आईबुल को सेल करेंगे 154.50-156 के आसपास, 158.60 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 151.30 और 148 के आसपास के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। दूसरा स्टॉक होगा हमारा इंडसइंड बैंक को 495-499 के आसपास सेल करेंगे, 512.60 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। हालांकि टारगेट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसके टारगेट भी उसी हिसाब से निकल के आ रहे हैं, 463 और 452 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तीसरा स्टॉक होगा हमारा टाइटन। टाइटन को 956 961 के आसपास सेल करेंगे, 970.10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, टारगेट 926 रुपए और 911 रुपए तक के। चौथा स्टॉक होगा हमारा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक को सेल करेंगे 957 963 के आसपास, 976 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 927 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हमारे दिए हुए स्टॉक्स टारगेट पे ओपन हो जाते हैं या फिर स्टॉप लॉस पे ओपन हो जाते हैं तो हम उसका एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। सारे कॉल्स एनएससी इक्विटीज में होते हैं। मैं सारे अभी तक जितने वीडियो बनाया हूँ उसमें मैक्सिमम सारे कॉल्स हम लोग काम ही सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स में करते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में करते हैं। चूंकि कॉल्स हमारे सारे कैश में होते हैं तो अगर सेल कॉल होती है तो इंट्राडे हो जाती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आप कैश के स्टॉक्स को बेच के होल्ड नहीं कर सकते, और अगर लॉन्ग की पोजीशन होती तो आप उसको अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ होल्ड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी हमारे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, आप चाहें आप लोगों को इनफैक्ट जुड़ना ही चाहिए ताकि आप लोगों को हमसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म होता है, आप चाहें तो उसे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं डायरेक्ट हमारे साथ व्हाट्सएप में और हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।